मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पिछले साल भी टीम इंडिया अंडर 16 में कैंप में खेल रहा था और कोविड की वजह से वापस आना पड़ा। अब बहुत खुशी हो रही है कि वापस इन्फॉर्मेशन आई कि वापस जाना है कैंप के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है अभी जाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पहले ही इंडियन टीम में खेल रहा था और फिर हमें कोविड-19 की वजह से हमें छुट्टी मिली थी। फिर मैं 2 सालों से इंडियन टीम में खेल रहा हूँ। मैंने उन 2 सालों में मैंने सैफ कप खेला है अंडर 15, मैंने और 3 एक्सपोजर टूर्स भी किए हैं, मैंने टोटल 21 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। और फिर अभी मैं SFA के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पे हमें साजिद सर, वडू सर और जावेद कोच भी प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे मुजम्मिल सर ने भी बहुत मदद की है और अब हमें फिर से कैंप ज्वाइन करना है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया तो मैं SFA के लिए ट्रायल्स के लिए गया तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा खेला और मैं सिलेक्ट भी हो गया और मैं फिर अंडर 13 में था तो मैंने अंडर 13 एली खेली, उधर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और फिर मैं अंडर 15 एली के लिए भी गया, कोलकाता गया, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और फिर मुझे अंडर 18 प्रमोट किया। अंडर 18 में कश्मीर में लीग हो रही थी जो सबसे बड़ी लीग है कश्मीर में, उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और फिर उधर से देख के साजिद सर ने ट्रायल्स के लिए लिया, उधर इंडिया अंडर 16 डायरेक्ट लिया ट्रायल्स के लिए। तो फिर उधर कोच है विवियानो कोच, उसने भी मुझे देख के बहुत खुश हुआ वो कि अच्छा प्लेयर है, फिर वहाँ पे भी अच्छा अच्छी तरह रहा और सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। मैं SFA का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सभी SFA जो भी उनमें मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं और मैं सबसे ज़्यादा मतलब साजिद सर, वडू सर, उनका ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कराते थे। टीम में पहले जब भी कोई इंडिया नेशनल टीम के लिए जाता है तो उसकी पहली यही कोशिश होती है कि वो अपने आप को प्रूव करे वहाँ पे और अपने 11 में जगह बनाए, क्योंकि जब वो 11 में खेलेगा तो वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा। और फिर यही कोशिश है कि अब टीम का हिस्सा बने, अच्छे से एक्सपोजर टूर के लिए जाए, वो सबसे बेहतर है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं सीखना चाहता हूँ, बहुत सीखना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा मतलब प्लेइंग 11 में रहना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, उधर जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उधर नहीं रह सकते हैं, उधर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे बहुत फ़ायदा मिला, हमारे एकेडमी में साजिद सर है जो नेशनल टीम के कोच रहे वुमेन्स टीम के, और हमारे साथ एकेडमी में वडू सर भी थे जिन्होंने ISL में कोचिंग की है और वो खुद प्रोफेशनल फुटबॉलर भी थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी मदद की। और जो लेवल हमें मतलब जिस तरीके से हमें यहाँ पे प्रैक्टिस कराते थे उसी के तरीके से हमें उधर भी प्रैक्टिस कराते थे नेशनल टीम में, तो उस वजह से हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज़ नहीं हुई। शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ पे कोचिंग हो रही है सही सर कराते हैं, जो वुमेन्स टीम फुटबॉल के सीनियर टीम कोच रहे हैं, हेड कोच, और वडू सर है जो जिनने प्रोफेशनल फुटबॉल खेला है, ISL भी खेला और वो हैदराबाद के असिस्टेंट कोच भी रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें उन कोचों के साथ ट्रेनिंग करने मिला, वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए।